नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोड़। जिमें कि तुहानू पता है कि आपां पंजाब जीके दी सीरीज़ वाइज क्लास स्टार्ट की हुई है, चार क्लास तुहानू ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। जे नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में तुहानू उन्हां क्लास के लिंक मिल जाएंगे, जाके विजिट जरूर कर लियो। तो यह आपां एशियंट हिस्टरी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने जिहड़े एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी भर भर के पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब कर लो एंड वीडियो में लाइक कर लो, एंड जो तुम शेयर करना चाहो अपने फ्रेंड सर्कल में तो वीडियो में शेयर जरूर कर दो। तो क्वेश्चन नंबर एक की कहता है, भारत में बाबर ने सब तो पहला किस राज उत्ते कब्जा किया? भारत में जो इंटर की तो ओबियस पंजाब ही इंटर किया बाबर ने। एंड दोस्तों, अगे चलने तो पहले जो तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो तो सिर्फ 44 रुपीज़ में बाय कर सकते हो। यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, जिस विच तुहानू 300+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल प्रोवाइड हो जाएगी सिर्फ 44 रुपीज़ में। इंस्टाग्राम से मैंने फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय कर सकते हो। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की गल करिए, -1585 तो 1598 तक अकबर के अधीन पहली शाही सीट सी किहड़ी सीट रही थी? लाहौर की सीट सी। 1585 तो लैके 1598 तक अकबर का कब्जा इस पर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की गल करिए, मुगलों ने पंजाब से कदों हमला किया? सारा पता है 1526 ईस्वी में पहला हमला किया पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 4 की गल करिए, 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने डैश को हरा के पंजाब उपर कब्जा किया। किनू हराया? इब्राहिम लोधी हराया। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, पहला मुगल शासक कौन सी? ओबियस बाबर से, यह आप उपर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, जंग जिस नाल भारत में मुगल सम्राज की स्थापना हुई सी, तो पानीपत की पहली लड़ाई से जिस नाल मुगल सम्राज का झंडा भारत में गड्ढा गया सी। उस तो पहला मुगल सम्राट का जो राज मुगल सम्राज से वह पंजाब के दायरे में आता सी, जो पाकिस्तान भी इनकलूड से उस। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, बाबर के पिता का नाम की सी? तो शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम से। क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, बाबरी मकबरा कितने स्थित है? यह एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, याद रखो बाबरी मकबरा काबुल विखे अफगानिस्तान विच है। ठीक है, तो दोस्तों हाले तक जो तुम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिता, जाके उसे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ताकि प्रोपर क्लासेस के लिंक एंड जॉब्स बारे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, तुझ के बाबरी का लेखक कौन है? तो अब्दुल रहीम खान खन्ना नामक एक राइटर से जिसने तुझ के बाबरी की रचना की सी। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, बाबर का असली नाम की सी? तो जैनुद्दीन मुहम्मद से बाबर का असली नाम। दोस्तों यह क्वेश्चन जस्ट सिंपल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं प्रीवियस जिहड़े पेपर हुए ने उन्होंने एनालिटिक्स करके उन्होंने चक के इस PDF फाइल में इनकलूड किए हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो करके लाइटली ना लियो, लिखते जरूर रहो एंड माइंड में सैट कर लियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किसने की? तो हुमायूं ने की। दिल्ली में दीन पनाह दरगाह जी उसकी स्थापना कि हुमायूं ने की। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, बाबर के पुत्र का नाम की सी? हुमायूं से बाबर के पुत्र का नाम। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, हुमायूं के पुत्र का नाम की सी? हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर से। क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कित्थे है? तो शाशाराम बिहार के विच है शेरशाह सूरी का मकबरा। मकबरा दोस्तों की होंगे इन्ना मुसलमानों में की होंगे जो डैथ हो जाती है, आई थिंक जिथे उन्होंने कबर होंगी है कबर न मकबरा कहते हैं। ओके दोस्तों, हुण क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, चौसा का युद्ध कदों होया? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी हुमायूं अते शेरशाह सूरी के विचकार होया। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, हुमायूं का मकबरा कित्थे स्थित है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, ग्रैंड ट्रंक रोड जिन्हों पर GT रोड कह दें दी स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो करके याद रखो GT रोड ने जिन्हों आप ग्रैंड ट्रक रोड के नाम जानते हैं, जिसनों आप किसने इस्टैबलिश किए तो शेरशाह सूरी द्वारा ही किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, मलिक मुहम्मद जयसी ने किस दे राज दौरान पद्मावत की रचना की सी? तो पद्मावत की रचना कदों हुई सी? शेरशाह सूरी के राजकाल के दौरान ही पद्मावत जी बुक है उसकी रचना हुई सी।
किस द्वारा लिखी गई सी है? मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, किस मुगल बादशाह ने दीन पना लाइब्रेरी दी पौड़ियाँ तो डिग के मौत हो गई सी? कि मतलब कि मुगल बादशाह से कोई जिदी दीन पनाह लाइब्रेरी दियाँ पौड़ियाँ तो डिग के मौत हो गई सी? हुमायूं की ही मौत हो गई सी। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, मुगल बादशाह की डिटेल, ठीक है, बाबर कदों तो कदों तक इसका राज रहा? बाबर का रहा 1526 तो लैके 1530 ईस्वी तक, हुमायूं का रहा 1530 तो लैके 1556 ईस्वी तक, अकबर का रहा 1556 तो लैके 1605 ईस्वी तक, उस तो बाद जहांगीर आया, जहांगीर का रहा 1605 तो लैके 1627 ईस्वी तक, तो उस तो बाद शाहजहाँ आया, शाहजहाँ का रहा 1627 तो लैके 1658 ईस्वी तक, उस तो बाद औरंगजेब आया से, औरंगजेब का रहा 1658 तो लैके 1707 ईस्वी तक। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 21 की गल करिए, पानीपत की पहली लड़ाई कदों हुई सी? पानीपत की लड़ाई हुई सी 1526 ईस्वी, तो उस तो बाद खानवा की लड़ाई, मतलब कि टोटल ये बाबर ने जिनी भी लड़ाइया लड़िया उसकी डिटेल है क्वेश्चन नंबर 21। बाबर की पहली लड़ाई हुई सी पानीपत की लड़ाई में, की हुई सी 1526 ईस्वी, उस तो बाद बाबर ने खानवा की लड़ाई लड़ी 1527 ईस्वी, उस तो बाद चंदरी की लड़ाई लड़ी 1528 ईस्वी, उस तो बाद घाघरा की लड़ाई लड़ी 1529 ईस्वी। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह लड़ाई कदों हुई, किस विचकार हुई, ओके दोस्तों याद रखियो चीज़ भी। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 22 की गल करिए, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किहड़ी युद्ध नीति अपनाई सी? तां तुगलकनामा युद्ध नीति बाबर ने अपनाई सी। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तां करके याद रखियो। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी लैंग्वेज में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम नामक राइटर से जिसने बाबरनामा फारसी में लिखा सी। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, बिलग्राम की लड़ाई कदों और किस के विचकार हुई? यह भी बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, बिलग्राम की लड़ाई 1540 ईस्वी हुमायूं और शेर शाह सूरी के विचकार हुई सी। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, हुमायूंनामा किसने लिखा सी? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम नामक राइटर से जिसने हुमायूंनामा हुमायूं के जीवन की किताब लिखी सी। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, अकबर द्वारा लड़िया गया प्रसिद्ध युद्ध किहड़ा है? अकबर ने किहड़े दो प्रसिद्ध युद्ध लड़े से? पानीपत की दूजी लड़ाई 1556 ईस्वी, हल्दी घाटी की पहली लड़ाई से जी 1576 ईस्वी। ओके याद रखियो, एग्जाम में यह लड़ाइया बारे काफ़ी कन्फ्यूजन होंगी है, तो करके सैट कर लो जिम्मे मर्जी माइंड में सैट कर लो किसी भी रिलेट करके। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 27 की गल करिए, हल्दी घाटी की लड़ाई किस दे विचकार कदों हुई सी? अकबर और महाराणा प्रताप सिंह दे विचकार हुई सी 1576 ईस्वी हुई सी। क्वेश्चन नंबर 28 की गल करिए, डैश मुगल शासक को सुनहरी युग कहा जाता है? अकबर काल का जिहड़ा मुगल शासक से, जो अकबर राजा से, उस युग में सुनहरी युग कहा जाता है पूरे भारत वास्ते। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 29 की गल करिए, अकबरनामा किस द्वारा लिखा गया सी? अकबरनामा लिखा गया सी अबुल फजल द्वारा लिखा गया सी। क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए, तुलसीदास का समकाली से, मतलब कि तुलसीदास अपने भारत के फेमस राइटर हुए हैं, वह जो सीगे तो उस टाइम पर भारत के किसका अधिकार से? अकबर का अधिकार से, तो अकबर के समकालीन से तुलसीदास। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 31 की गल करिए, अकबर का मकबरा कितने स्थित है? तो सिकंदराबाद यूपी में, आई थिंक यह तो अकबर अकबर का मकबरा जिते स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 की गल करिए, अकबर के नवरत्न, अकबर के दरबार में 9 रत्न होंगे से, उन्होंने नाम ने बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, अब्दुल रहीम, तानसेन, मुला दो प्याजा, मान सिंह, हुकम सिंह। ओके दोस्तों, दोस्तों एक गल होर, देखो लाइक नहीं करते तो वीडियो में लाइक कर दिया करो, जे बेनीफिशियल लगती है तो लाइक कर दिया करो, जे नहीं लगती तो ना लाइक करया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चैनल में सबसक्राइब करना हो कर लो, वैसे अपना कोई बिल नहीं आता इस बीच, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती जो सबसक्राइब तो लाइक का बटन आप दब देंगे। ओके दोस्तों, इसलिए जो तुम्हें बेनीफिशियल लगती है, जिम्मे मैं भी मेहनत करके ही तुम्हें वीडियो प्रोवाइड करवाना, लाइक तो सबसक्राइब का तो कमेंट का की मतलब होंगे है कि थोड़ा मोटीवेट हो जाता मैं भी, ताकि जल्दी तो जल्दी तुम्हें वीडियो नैक्सट प्रोवाइड करवा देव। ओके दोस्तों, तो लाइक तो सबसक्राइब भी जरूर कर लिया करो, जैसे चैनल में कोई दिक्कत नहीं होंगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 33 की गल करिए, किस दौर में मुगल शासन दौरान चित्रकारी का सुनहरी युग कहा जाता है? तो जहांगीर के दौर में, जो मुगल बादशाह से जहांगीर, उस समय जहांगीर ने किसी चित्रकारी काफ़ी बढ़ावा दिता से, करके उसको सुनहरी युग कहा जाता है।
ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਕਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਚਨੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਖੈਬਰ ਦਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ 325 BC ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ BC ਵਿੱਚ 325 BC ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਿਸਦਾ ਰਾਜ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ? ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਅੰਬੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਪੋਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਹਿਲਮ ਰਿਵਰ 'ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਅਤੇ ਪੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 44 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 322 BC ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਾ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਬੋਧ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ? ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ? ਚੌਥੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 46 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਕਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 4th ਕਲਾਸ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਢ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਲਾਲੀ ਬਾਹਮਣ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੌਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਤਕਸ਼ੀਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੁਲਕਿਸ਼ਨ ਦਰੁਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਕਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਕਿਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਰਵੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 3 ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲਾ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਫਾਹੀਯਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ ਦ੍ਰਿਤਿਆ ਦੇ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਈ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ।
ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫਾਈਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਦੂਜਾ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਈ ਟੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰਡ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੰਮ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਤੰਭ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਮਹਿਰੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 55 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭੀਮ ਬੇਟਿਕਾ ਰਾਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਡੈਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 56 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਲੁੰਬਿਨੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਥਕ ਇਸਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਖੁਸ਼ੀਨਗਰ, ਅਤੇ 483 BC ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 59 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 60 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਇਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪਿਟਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀ ਪਿਟਕ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ, ਸਤਾ ਪਿਟਕ ਅਤੇ ਅਭਿਧਾਮ ਪਿਟਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।